गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और हर बार की तरह अब हम लोग मंडे को लाइव हो रहे हैं और कुछ दिनों अब मैं लाइव होंगी और आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो भी गायनकोलॉजिकल, ऑब्स्टेट्रिकल या जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर अब हम लोग 5 बजे रोज़ बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्या ओबेसिटी सिर्फ एक मतलब कॉस्मेटिक इशू ही है क्या? क्या बस मोटापा या मोटा दिखना बस दूर से ख़राब लगता है या क्या ये वही है या इसमें और भी कुछ है जो मोटापा से होता है? जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहले मतलब लोग ओबेसिटी को बस एक ये चीज़ समझते थे कि हाँ मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि ओबेसिटी को अब मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब ये एक सिर्फ एक मतलब बीमारी नहीं, एक सिंड्रोम बन चुका है। सिंड्रोम मतलब कि एक नहीं बहुत सारी बीमारी का कलेक्शन जो होता है वो हुआ। मतलब कि सिर्फ मोटापा से बस ये नहीं है कि आपका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस बढ़ गया है, आपका थाई ज़्यादा हो गया, ये नहीं। इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये चीज़ से कि आप ओबेज की कैटेगरी में आते हैं आपको बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि ओबेसिटी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आजकल मोस्ट कॉमन हम लोग अर्ली एज से शुरू करते हैं, जैसे कि आजकल मोस्ट कॉमन हम लोग बहुत सारी बच्चियां रहती हैं जो कि मुश्किल से 16-17 साल की रहती है या 15 साल की रहती है, उनको देखते हैं हम लोग कि वो बहुत ज़्यादा ओबेज रहती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें पीरियड्स में दिक्कत होता है, मतलब वो लोग को पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं बार बार। मतलब वो लोग बताती हैं कि कभी मतलब 1 महीने पे आ रहा है, कभी 3 महीने पे आ रहा है, कभी आ रहा है तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। इसके साथ साथ ये चीज़ बताती हैं कि उनको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब जो जहाँ पे हेयर्स नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अपर लिप पे या फिर बर्ड्स पे, यहाँ पर ये सब जगह पर भी उन लोगों को क्या होता है, हेयर्स आने लगता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक सिंड्रोम है जो कि हम लोग PCOD बोलते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और इससे फ्यूचर में भी उनको दिक्कत आती है। ये बस यहाँ तक ही लिमिट नहीं है कि उनको अगर PCOD है तो उनको बस पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, नहीं, यहाँ तक कि उनको बाद में इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनका अंडा नहीं बनता है, अगर अंडा नहीं बनेगा तो कैसे वो प्रेग्नेंट होंगी, तो ये चीज़ की भी दिक्कत आती है। तो अभी तक हम लोग जाने कि ओबेसिटी से पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलरिटी की वजह से इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो ओबेसिटी रहता है, जो फैट होता है ना, फैट कुछ अच्छा चीज़ नहीं है। फैट जो रहता है ना वो साइटोकाइन रिलीज करता है, मतलब फ्री रेडिकल, मतलब खराब चीज़ जो होता है ना वो निकलना हुआ। तो क्या हो रहा है कि फैट की वजह से फ्री रेडिकल निकलता है, उसके वजह से जो ओवा बनते हैं वो भी अच्छे नहीं बनते हैं, जो यूट्रस का लाइनिंग है वो भी गड़बड़ाता है। तो हम लोग को ये चीज़ बहुत देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट मतलब प्रेगनेंसी प्लान करे और अगर वो 5-10 किलो वेट भी घटा लेती है तो वो बहुत जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इससे ये बात एकदम प्रैक्टिकली तो हम लोग देखते ही हैं, बुक्स में भी पढ़ते, प्रैक्टिकल भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वेट घटाती है वो प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है। इसके अलावा जो अगर वो प्रेग्नेंट हो गए, अभी हम लोगों ने बात किया पीरियड्स इरेगुलर हुआ, इनफर्टिलिटी हुआ, इनफर्टिलिटी के बाद अगर वो लोग प्रेग्नेंट होती भी है तो उनको बहुत सारा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है ओबेसिटी की वजह से। उनको सांस लेने में दिक्कत होगा, उनको चलने में दिक्कत होगा, और ओबेसिटी की वजह से एक ये चीज़ हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है उससे क्या होगा, ये होगा कि एक तो उनको फ्यूचर में भी डायबिटीज़ का चांस रहता है, और इसके अलावा जो बच्चा होता है वो भी बहुत मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़ा हेवी बच्चा होगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो चीज़ की शुरुआत माँ के पेट से होती है वो चीज़ लॉन्ग टर्म होती है, मतलब कि अगर उस बच्चे में अभी ही से मोटापा के लक्षण आने लगे, वो मैक्रोसोमिक बेबी है, वो भारी बेबी है, वो बड़ा बेबी है, तो वो बाद में भी क्या होगा कि उसको जो है बाद में भी उसको मोटापा का चांस रहेगा। तो ये चीज़ है कि ओबेसिटी जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो गया, उसके अलावा क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है,
मतलब अगर वो उनको सीजेरियन होगा तो उनको उंड का दिक्कत हो सकता है कि उंड नहीं उनका भले भरेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है कि सीजेरियन ना हो, मतलब सीजेरियन की वजह से मतलब एक हम लोग फैट इम्बोलिज्म, मतलब वो लेटे लेटे जो होता है ना खून पैर में जमा हो जाता है, उसके वजह से उनको इम्बोलिज्म भी हो सकता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। मतलब ये सब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है पहले से, मतलब प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, मतलब अनंत हम कितना गिनाएं आपको उतना प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो बस एक मोटापा और इतना सारा चीज़। इसके अलावा एक और आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, आजकल तो हम लोग देख रहे हैं हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो रहा है, हम लोग मोर टुवर्ड्स फैटी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, मतलब फास्ट फूड, हम लोगों को बर्गर अच्छा लगता है, हम लोगों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, हम लोगों को बाहर की चीज़। एक्चुअली एक बुक हम पढ़े थे तो उसमें ये चीज़ बता रहा था कि जो ये कंपनीज होती है ना वो लोग खोजता है कि हमारे टेस्ट बड को कौन सा चीज़ ऐसे ट्विच करे, मतलब कुछ स्टिमुलेट करे कि हम लोग को अच्छा फीलिंग आए। तो उस बुक में लिखा हुआ था कि हमारे एंसेस्टर्स को सॉल्ट बहुत पसंद था, तो हम लोग को जो भी चीज़ थोड़ा सॉल्ट में टिंज रहता है ना, जैसे चीज़ पिज़्ज़ा में, वो चीज़ हम लोग को स्टिमुलेट करता है। और आपको पता है कि जो बर्गर पिज़्ज़ा उसमें सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो हम लोग को बीपी बढ़ाएगा, ओबेसिटी कराएगा। तो ये सब चीज़ की वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने के बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे लोगों में हो रहा है, बहुत फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखेंगे कि मुश्किल से 25-30 साल की लेडी रहती है, हमेशा आती है मुझे ब्रेस्ट में गांठ हो गया, वो भी प्रीडिस्पोज करता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ब्रेस्ट में भी गांठ हो जाता है, फिर ब्रेस्ट कैंसर की भी वो केसेस लेके आ रही हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बस एक ज़्यादा खाना, फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना कैसा हमारे लिए डिलीटेरियस इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि अब हम फीमेल से हटके थोड़ा जनरल चीज़ पर के बात करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गॉल ब्लैडर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गया बहुत सारे लोगों में। पहले तो हम लोग इतना नहीं सुनते थे, बच्चे थे तो, कि इनको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन नाउ आई एम एज अ सर्जन, हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारी फीमेल्स जो आ रही हैं पेट दर्द लेकर के, उनको गॉल स्टोन हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि पढ़ते कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा बॉडी में है, ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो वो कहीं आके जमा होगा, तो वो क्या होता है, वो आ करके हमारे गॉल ब्लैडर, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है, और वहाँ पे जमा होकर उसमें और कैल्शियम और भी चीज़ डिपॉजिट होके वो स्टोन बन जाता है। तो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि गॉल स्टोन का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा हर पेशेंट में जो आ रही है, जिसका आप अल्ट्रासाउंड कराइए, मतलब ये हर दिन जितनी पेशेंट अल्ट्रासाउंड कर, हर इंसान का आता है ग्रेड 1 फैटी लीवर, मतलब कि ये तो एक नॉर्मल बात हो गया है। क्यों? क्योंकि हर लोग बस मतलब खा रहा है, बस टेस्ट अपने टेस्ट बड के लिए खा रहा है, ये चीज़ नहीं पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमें लो कार्ब्स खाना है, लो फैट खाना है, हाई प्रोटीन खाना है, ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। और अगर पता ही नहीं और वो लोग जानना मतलब चाहिए कि हम आखिर क्यों हमको बीमारी हो रही है, क्यों इतना अर्ली एज में लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, क्यों इतना अर्ली में लोगों को बीपी हो रहा है, क्यों हो रहा है आखिर, इसका क्या रूट कॉज है, ये सब हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। लोग बोलते हैं अरे ये तो मोटा नहीं है, ये तो पतला है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि मोटापा होना सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मोटे लोग रहते हैं वो थोड़े शर्माते हैं कि अरे अच्छा नहीं लग रहा, हर तरह की वो ड्रेस नहीं पहन सकते, हर जगह वो जाते नहीं है। इस चक्कर में ये भी होता है कि आप उनका फिजियोलॉजिकल सोचिए, उनका सोशल में भी कितना दिक्कत होता है, वो लोग कहीं जा नहीं पाते, अरे मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकता हूँ, मैं वहां पे जाऊंगी तो लोग मुझे मोटा कह देंगे, तो इस वजह से उन लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा। तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि इतना डिप्रेशन का पेशेंट बढ़ गया है, एक छोटा सा चीज़ हमारा फूड हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल इतना चीज़ कर सकता है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा जैसा कि हम लोग मैंने बताया डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, इतना इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है। आप जानते हैं कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठ के मीठा चीज़ खा रहे हैं, उसी वक्त आपका इंसुलिन का स्पाइक होगा,
और ये सब जो है बॉडी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ब्रेकफास्ट में हम लोग फ्रूट्स लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी और सारे मैं बताऊँगी कि कैसे खाना है, क्या करना है, ये भी डिस्कस करूँगी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं क्या डायबिटीज़ सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है। फिर अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे बताएं लो इस्टीम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको इतना सारा मल्टीपल डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। उसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने खुद भी फील किया होगा कि जब भी आपका वजन 5 किलो 10 किलो बढ़ जाता है तो आपको बैक पेन होने लगता है। तो आखिर क्यों ऐसा है कि मतलब बैक पेन होने लग रहा है? क्योंकि सारा कुछ स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे आपको बैक पेन होगा, आपको नी पेन होगा। मतलब बच्चे लोग, मतलब मुश्किल से 15-20 साल का भी अगर मोटा बच्चा है उसको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है, वो अगर चल रहा है उसके घुटने में दर्द हो रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वजन की वजह से दोनों, जैसे हमारा ये मान लीजिए ऊपर की हड्डी है, ये दोनों के बीच ऐसे दब रहा है बेचारा, ये चलेगा कैसे? इसके बीच का फ्लूइड भी कम हो जा रहा है, इसके बीच में घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो जब भी चल रहा है तो एक दूसरे में टकरा के उसको पेन हो रहा है और वो कर नहीं पा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बोलते हैं कि मुझे ये भी दिक्कत है, मुझे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोग उसका सीक हेल्प नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से बात करें। जो लोग न्यूट्रिशन का कोर्स किए हैं या जो लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं उससे आप मिले और आप डिस्कस कीजिए इस बात को कि बस ये नहीं कि हाँ हमको वजन घटाना, नहीं, वजन घटाने का एक तरीका होता है, उससे आप वजन घटाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएगा। और ये मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, मैंने भी अपना बेबी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 20 किलो वजन घटाया और मैं इतना अच्छा फील करती हूँ, इतना लाइट कि मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आप लोग से भी बोलूँगी, जो भी लोग अगर ओबेज हैं तो मतलब आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग वज़न घटाइए और सही तरीके से घटाइए। बस खाना कम कर देने से या थोड़ा सा वॉकिंग करने से आपका वज़न नहीं घटेगा, इसलिए आप एक प्रॉपर अगर चैनल से चलेंगे तो आपका वज़न ज़रूर घटेगा। इसके अलावा हम आप क्या बताएं, बहुत सारा ऐसा ही बीमारी है जो इसकी वजह से बढ़ रहा है, डायबिटीज़, बीपी, लोग थायराइड की भी दिक्कत हो रही है, और ये सिर्फ एक ही तक सीमित नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ हो रहा है तो आपको किडनी का प्रॉब्लम होगा, आपको आई का प्रॉब्लम होगा, आपका हाथ पैर झिझिनाएगा। मतलब ये एक मोटापा खाने के हैबिट की वजह से हमारा कितना ज़्यादा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपना फूड हैबिट सबसे पहले ठीक करना चाहिए। तो और मैं क्या बताऊँ, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोगों का जो ये टॉक होता है वो सिर्फ 15 मिनट का ही होता है। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप बात कीजिए और आप हम लोग को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे पेज पर, हमारे लिली हेल्थ केयर पे, और आप लोग हमारे लिली हेल्थ केयर पे विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वेट मैनेजमेंट का भी लोगों को बताते हैं कि कैसे आखिर फूड से ही, ऐसा नहीं है कि फूड से आपका वेट नहीं घटेगा, फूड खाते हुए वजन घटाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग इस बात में ये करते हैं कि क्या हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और मतलब खाना छोड़ देते हैं कि मेरा वजन घट जाएगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल खराब तरीका है। और ये भी नहीं करना है कि एक बार में बहुत वजन घटाना है, एक हफ्ते में मैंने 4 किलो घटाया, ऐसा भी नहीं करना है। जब आपका फैट बर्न होगा उसमें से टॉक्सिन निकलेगा, और अगर ज़्यादा बॉडी से टॉक्सिन निकलेगा तो वो आपके ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत एक्सेसिव, तो एक बार में हमको बहुत ज़्यादा वजन करना है, नहीं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में कीजिए ताकि आपका बॉडी का भी जो मिलीवा है उसमें चेंज नहीं आए और आपका बहुत अच्छे से ये रहे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब कि हमको क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, लेकिन वो आप सीख हेल्प कीजिए, अपना वज़न घटाइए और सही तरीके से घटाइए। एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, क्योंकि जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने बॉडी पर स्ट्रेस दे रहे हैं, और स्ट्रेस देने के बाद अगर आप उसको सही खाना नहीं दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं दे रहे हैं, सही प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपके बॉडी पर स्ट्रेस और आपका बॉडी का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों ने जैसा कि न्यूज़ में सुना ही होगा, जो सलमान खान का जो शायद वो जो ये करते हैं
क्या बोल रहे हैं सीन जो स्टंट मैन जो होते हैं, या फिर आपका और भी बहुत सारे एक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी डेथ जिम में हुई, आखिर ऐसा क्या था? वो तो अच्छे से खा रहे हैं, वो तो मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो एक्सेसिव स्ट्रेस कर रहे हैं। ये मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे ये चीज़ लगता है जो मैंने आपको बताया। तो आप लोग भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं करना है, और सही तरीके से वेट घटा करने की कोशिश कीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि आपका वजन खत्म होगा।